सो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ अपने चैनल पे कि लोग कह रहे हैं कि यार आपकी गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो मैं कुछ बातें क्लियर करता चलूँ। सबसे पहले तो मैंने पिछली जितनी गाड़ियों का रिव्यू किया, ऑलमोस्ट पिछली 3 से 4 गाड़ियों, वो सब जो थी इम्पोर्टेड थी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिसमें मुझे आए वो आए थे मुझे सुजुकी स्विफ्ट में, जो कि जापानीज़ इंपोर्ट वाली है सुजुकी स्विफ्ट। उसके बाद होंडा जेड, जेड के बाद अगर देखें तो मर्सिडीज़। ये मेरी मैक्सिमम काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिनका रिव्यू मैं करता हूँ वो हैं जापानीज़। तो उनके रिलेटेड मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताता चलूँ जो कि आम तौर पर हर बंदे को नहीं पता होती, जो भी गाड़ियों के बिज़नेस से रिलेटेड होता है या जो गाड़ियों को जानता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बात सबसे पहले तो बताता चलूं कि ये जो गाड़ी है, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, एक जनरल टर्म में बात करेंगे, ये नहीं कि हम एक सिर्फ सिंपल एक गाड़ी को लेके। ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, इनकी प्राइजेस बहुत थोड़ी होती है। अगर हम देखें ना जापानीज़ मार्केट में, तो इनकी प्राइजेस वाकई बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मार्केट। सो इसकी प्राइस ज़्यादा क्यों होती है, हमारा मेन टॉपिक ये है कि इनकी प्राइजेस ज़्यादा क्यों होती हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्राइजेस ज़्यादा इसलिए होती हैं कि एक तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये जापान में और यूके वगैरह में जहाँ से ये इम्पोर्ट की जाती हैं वहाँ सस्ती होती हैं, नो डाउट सस्ती होती हैं। लेकिन जब इन्हें पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया जाता है ना, तो जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं इंक्लूडिंग कार्स, इवन आप अगर आपके पास कोई अच्छी गाड़ी बाइक है, मतलब R6 है या R1 है, आप उसका एक एग्जॉस्ट बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो उसका एग्जॉस्ट इम्पोर्ट करना ही, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपको वो एग्जॉस्ट कॉस्ट कर रहा है जापान में 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ का, वो पाकिस्तान में आते हुए ना 10 लाख का हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि उस पर 200% कस्टम टैक्स है, 200% ड्यूटीज़ है उस पर। सो दैट्स वाई। और स्विफ्ट का जब मैंने रिव्यू किया था तो स्विफ्ट के अंदर जो था ना, एक तो ये गाड़ी इंडिया में भी यूज़ होती है, तो इंडियन व्यूअर काफ़ी ज़्यादा थे, इंडियन कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे कि वहाँ तो 6 लाख की है, वहाँ 9 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की है, तो नो डाउट वहाँ भी 9-10 लाख की है। एक फैक्टर उसकी उसमें ये भी है कि गाड़ी जो है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो करेंसी की वैल्यू है वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ वो ये गाड़ी 10 लाख की है, इंडिया में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की गाड़ी है, तो पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट कोई 17-18 लाख रुपीज़ की गाड़ी होगी, बट जस्ट बिकॉज उसकी ड्यूटीज़, इसकी प्राइजेज इसीलिए ज़्यादा होती हैं कि इसके ऊपर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडली एक और पॉइंट जो आता है वो आता है गाड़ी के ग्रेड्स का। इनमें काफ़ी, मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑक्शन शीट या जो गाड़ियों के ग्रेड्स होते हैं, मतलब 5-6 ग्रेड की गाड़ी, 5S ग्रेड की गाड़ी, R ग्रेड की गाड़ी, 3 ग्रेड की गाड़ी, 3.5 ग्रेड की गाड़ी, ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दें कि हमज़ा भाई हमें इसके रिलेटेड नॉलेज दें, तो मैं उसके रिलेटेड भी आपके लिए ना डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये ग्रेड का क्या सीन होता है, व्हाट इज मेंट बाय द ग्रेड्स, गाड़ियों में ग्रेड का क्या सीन है। सो एक पॉइंट ये भी होता है कि गाड़ियों के अंदर एक तो ऑप्शंस का, वेरिएंट का और ग्रेड का फ़र्क होता है। अगर गाड़ी अच्छे ग्रेड की है, फॉर एग्जांपल एस ग्रेड की, जो कि सबसे अच्छा वेरियंट होता है एस, वो होता है एस ग्रेड, एस के नीचे आता है 6 ग्रेड की गाड़ी, 4.5 ग्रेड की गाड़ी एक रीज़नेबल गाड़ी होती है। और जितना ज़्यादा ग्रेड होगा गाड़ी का, 4, 5, 5.5, 4.5, 6S, उसके रिलेटेड गाड़ी की प्राइस वेरी करती है। अब मैं आपको बताऊं, जिस गाड़ी का, जिस स्विफ्ट का रिव्यू मैंने किया, ये 4 ग्रेड की गाड़ी है। 4 ग्रेड की गाड़ी होने की वजह से इसकी प्राइस 4 ग्रेड की वजह से भी महंगी है, क्योंकि इसकी कंडीशन दूसरी गाड़ियों से, दूसरी इंपोर्टेड गाड़ियों से बेहतर है, क्योंकि ये मे भी हो सकता है और जो गाड़ियाँ हों वो उससे भी अच्छे ग्रेड की हों, 4.5-5 ग्रेड की भी हों। तो अगर गाड़ी पर अब इसकी जो प्राइस है, 4 ग्रेड की गाड़ी की प्राइस 33 लाख रुपीज़ है, जो डिमांडेड प्राइस है 33 लाख रुपीज़ है। अगर यही गाड़ी हमारे पास 6 ग्रेड की होती या एस ग्रेड की होती, तो इसी गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 35, 35, 50, 36 लाख के अराउंड होनी सी। तो मकसद इस वीडियो का ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि यार बात ये नहीं है कि गाड़ी क्यों महंगी है, बात ये है कि क्यों महंगी है। ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं गाड़ी की, जो लग्जरी कोई भी लग्जरी आइटम है उस पर 200% टैक्स है, 100% भी नहीं, 200% टैक्स हम देते हैं,
तो फिर ये गाड़ी पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती है, फिर ये गाड़ी कराची से लाहौर आप ला सकते हैं, पोर्ट से निकाल सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो मीरा है, मीरा की जो प्राइस है ना, मीरा की प्राइस अगर देखा जाए ना, एक अच्छी 4-5 ग्रेड की गाड़ी जापान में उसकी प्राइस ऑलमोस्ट मैक्सिमम 6-7 लाख होती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती है ना, तब उसके ऊपर जब 200% ड्यूटीज और टैक्सेस देने पड़ते हैं ना, तो फिर उस गाड़ी की प्राइस 14-15 लाख तक चले जाती है। सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, और इंडिया से पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू का भी, डेप्रिसिएशन का भी मसला है, और सेकेंडली इंडिया की मार्केट जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि पाकिस्तान में कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर ही काम कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बहरहाल आई होप कि आप, मैं इस वीडियो में ये क्लियर क्लैरिफाई कर चुका हूँ, आप लोगों को सेटिस्फाई कर चुका हूँ कि क्यों गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को भी पता लग गया होगा, और मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। सो ये थी एक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो। सो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदों आगे लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।